तो आज मैं तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन। हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मानसी। अभी लुका छिपी खेलने का क्या मतलब था? मुझे पता था तुम बीच में जरूर बोलोगी, बट मुझे ये सब करके मजा आता है यार। इसमें क्या मजा आता है? तुम नहीं समझोगी, छोड़ो। तो बात कर लेते हैं आज के वीडियो की। तो वैसे तो मैं हमेशा ही नई नई चीज़ें बनाती रहती हूँ और ज़्यादातर मैं अपने वीडियोस में DIY होम डेकोर शेयर करती हूँ, बट घर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि हमारा किचन, उसके लिए मैंने कभी भी कोई DIY क्यों नहीं बनाया है वो मैं आज सोच रही थी। ओफो, सीधे पॉइंट पे आओ ना। तो आज हम बनाएंगे किचन DIYs। बस खुश? Yes. तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ किचन डेकोर DIYs और एज एक्सपेक्टेड हम बनाएंगे इसे वेस्ट मटेरियल को यूज करके। बट हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर ही देना यार। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि अभी मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है मानसीज लाइफ, और अभी मैंने वहाँ पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हैक शेयर किए हैं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट DIY के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कार्डबोर्ड। तो मेरे पास ये पुरानी मिठाई का डिब्बा, पुरानी मिठाई मतलब मिठाई का पुराना डिब्बा रखा हुआ था, तो इसे ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और इसका साइज़ थोड़ा छोटा था तो ये ऊपर वाला पार्ट मैंने अलग से लगाया है। अगर आपके पास बड़ा कार्डबोर्ड है तो आप डायरेक्टली इसको कार्डबोर्ड के साथ ही कट कर लीजिए। अब इसको थोड़ा सा मोटा और करने के लिए मैंने इसमें पीछे एक और कार्डबोर्ड लगा दिया है और ऊपर वाले पार्ट को भी मैंने बिल्कुल अच्छे से चिपका लिया है ताकि बाद में वो निकल ना जाए। और अब इसको मैं मास्किंग टेप से कवर कर दूँगी अच्छी तरीके से। तो अब हम इस पे वॉल पुट्टी की एक लेयर लगाएंगे। इसके लिए मैंने वॉल पुट्टी में थोड़ा सा फेविकॉल और पानी लिया है और उसका एक इस तरह का पेस्ट बना लिया है। अब हम इसके ऊपर इसको अप्लाई कर देंगे। इतना आर्टिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने हाथों का प्रयोग करो। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। तो अपने हाथों से मैं कर रही थी तो ये और ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड हो रहा था। और अब हम इसे 8-10 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे। और जब तक ये ड्राई होगा तब तक हम क्या करेंगे? झक मारेंगे? जी नहीं, तब तक हम बाकी का वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉफ़ी स्टिरर स्टिक्स ले ली हैं, आप आइसक्रीम स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। और उससे मैं इस तरीके का एक घर बना रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक के ऊपर एक ढेर सारी स्टिक्स को लगा दिया है। तो मैं यहाँ पे इसे फेविकॉल से स्टिक कर रही हूँ, आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने ये घर बना लिया है और अब मैं इसको ब्राउन कलर से पेंट कर दूंगी। इनफैक्ट आप किसी भी कलर से पेंट कर सकते हैं, जो भी आपको कलर पसंद हो। तो अब हमारा बेस भी ड्राई हो चुका है। अब इसकी सरफेस को इवन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सैंड पेपर। तो इससे अच्छे से हम इसकी सैंडिंग कर देंगे और इसके बाद आप देखिए कि ये कितने अच्छे से इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो गई है। तो अब बारी है इसे पेंट करने की, और इसको पेंट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चॉक पेंट्स का, और इसको मैंने लिया है इट्सी बिट्सी से। और अगर आप भी मेरा कूपन कोड मानसी05 यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दो शेड्स को यूज़ करते हुए इसको पेंट कर लिया है और कुछ इस तरीके का मैंने इसको शेडिंग दी है। अब एक पेपर पे मैंने कोट लिख लिया है और इस बेस के ऊपर हम इसको रख के इसे ट्रेस कर लेंगे। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक 000 साइज़ का ब्रश और एक्रीलिक कलर की हेल्प से मैं इसको पेंट कर ले रही हूँ। तो मैं बस सिंपली यहाँ पे साइड में एक छोटा सा कोट लिख रही हूँ, बाकी का जो एरिया है उसको मैं बिल्कुल ब्लैंक छोड़ूंगी। ज़्यादा मैं इसमें कुछ भी फिल नहीं करूँगी क्योंकि बाद में हमें इसमें कुछ और एलिमेंट्स ऐड करने हैं, इसलिए मैंने बाकी का स्पेस बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया है। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से हार्ट्स मैंने बना दिए हैं। तो द किचन इज़ द हार्ट ऑफ द होम, ये मैंने यहाँ पे लिख के रेडी कर लिया है। अब जो हमने घर बनाया था उसकी बारी अब आएगी क्योंकि उसे हम यहाँ पर स्टिक करने वाले हैं। और ग्लूगन की हेल्प से मैं इसको यहाँ पर कॉर्नर पर स्टिक कर दूँगी और फिर लाइट चली जाएगी। ओह नो,
तो लाइट आने का वेट करेंगे और जब लाइट आ जाएगी तो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे मॉड पॉज ग्लू ताकि ये सारे कलर्स अच्छे से सिक्योर हो जाएं और बाद में इस पर पानी पड़े या कुछ भी पड़े ख़राब ना हो। और उसके लिए एक और ज़रूरी स्टेप है जो कि है वार्निश अप्लाई करना, तो वो भी मैं यहाँ पर अप्लाई कर दे रही हूँ। अभी एक्रीलिक कलर की बॉटल खाली हो गई थी, उसको मैंने वॉश कर लिया है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ फ्लावर्स लगा दिए हैं। आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हैं और इसे मैंने प्लेस किया है अपने होम के अंदर। अब नेक्स्ट DIY के लिए मैंने फिर से एक कार्डबोर्ड ले लिया है और इसके ऊपर मैं एक स्पैचुला का शेप बना लूँगी और इसे हम कट कर लेंगे। तो हमारे इस DIY का प्रोसेस भी हमारे पुराने वाले DIY की तरह ही है, मतलब कि इसका बेस भी हम वैसे ही बनाएंगे। तो इसे भी थोड़ा थिक करने के लिए मैंने दो पीसेस बनाए हैं और दोनों को हम आपस में स्टिक कर देंगे फेविकॉल की हेल्प से। अब जो इसकी एजेस हैं उसको मैं कवर करने के लिए यूज़ करूँगी मास्किंग टेप का और सारी जिसको हम अच्छे से यहाँ पे कवर कर देंगे। अब अगेन जो हमने वॉल पुट्टी वाला पेस्ट बनाया था वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। अब मुझे एक क्वेश्चन आया था कि जब भी हम कार्डबोर्ड से कुछ बनाते हैं तो वो टाइम के साथ बेंड होने लगता है, तो जो वॉल पुट्टी हम अप्लाई करते हैं ये बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि वो अच्छे से होल्ड करके रखती है और इसकी वजह से कार्डबोर्ड टाइम के साथ बेंड नहीं होता है। तो वैसे तो आप चाहें तो डायरेक्टली कार्डबोर्ड पे इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं, उसके ऊपर वॉल पुट्टी ना अप्लाई करें, लेकिन वॉल पुट्टी अप्लाई करने से एक अच्छी सी स्मूथ फिनिशिंग आ जाती है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि समय के साथ कार्डबोर्ड बेंड नहीं होता है और वो उसका जो शेप है वो बिल्कुल वैसे का वैसा बना रहता है। तो बातों बातों में हमने अपनी ये जो स्पैचुला है इसे पेंट भी कर लिया और मैंने यहाँ पे वाइट पेन का यूज़ करके इस पर कुछ पैटर्न्स बना लिए हैं। तो लास्ट में मैं इसमें कुछ पोल्का डॉट्स दे दूँगी जो भी खाली स्पेस है वहाँ पे, और कुछ इस तरीके से मैंने ये वाला DIY भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑयल की खाली बॉटल ली है। सबको ये तो बता दो कि जब ऑयल खत्म हो जाए तब बॉटल कट करनी है। अरे यार तुम्हें क्या लगता है कोई ऑयल से भरी हुई बॉटल कट कर देगा? ये अपनी फालतू की सलाह मत दिया करो बीच में। तो हम इसको कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। तो क्योंकि मेरे किचन में कोई भी शेल्फ नहीं है तो इसके लिए मैं एक ऐसा DIY बना रही हूँ जिसे मैं हैंग कर सकूँ ताकि जो हमारी वर्टिकल स्पेस है वो भी यूज़ हो सके। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके का शेप दिया है और इसमें एक होल भी कर दिया है जिसकी हेल्प से हम इसको हैंग कर सकें। तो अब मैंने इसको एक बेस कोट दे दिया है जैसे का और उसके ऊपर मैंने चॉक पेंट से इसको पेंट कर लिया है। तो असली कहानी तो अब शुरू होगी क्योंकि इस वाले DIY ने मुझे बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं। तो अब देखते जाइए कि मैं किस दुख की बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक ट्रांसफ़र शीट और इसके ऊपर ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है उसे निकाल के हमें इसे स्टिक करना होता है, उसके पीछे से पानी लगाना होता है और फिर जो पेपर है उसको हमें निकाल के अलग कर देना होता है और जो इमेज होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। बट मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि जब मैं पेपर रिमूव कर रही थी तो साथ साथ इमेज भी बाहर निकली आ रही थी, मतलब वो उसके ऊपर चिपक ही नहीं रही थी, जबकि मैंने पहले भी कई बार ट्रांसफ़र शीट का यूज़ किया है और ये अच्छे से चिपक जाती है, बट इस बार हो ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने दूसरा तरीका निकाला, जो पेपर था उसको मैंने रगड़ रगड़ के निकाला है किसी तरह, तो आखिर लेकिन वो निकल गया। और इसके बाद मैंने बाकी की बॉटल डेकोरेट की। तो बाकी के बॉटल पे मैंने सिर्फ इस तरीके से ब्रिक वाले पैटर्न्स बना दिए हैं पिंक कलर को यूज़ करके। तो अगर बाय चांस आपके साथ भी ऐसा कभी हो जाए, खुदा ना खास्ता, कि आपकी जो ट्रांसफ़र शीट है उसकी इमेज ट्रांसफ़र ही ना हो, तो हमारा प्लान बी क्या होगा वो आपको आज पता चल गया है। सो अब हम इसके ऊपर हमारा मॉड पॉज ग्लू अप्लाई कर देंगे और इसके बाद हम वार्निश भी अप्लाई कर देंगे जिससे कि ये अच्छी तरीके से वाटर रेजिस्टेंट हो जाए और इसमें हम
चम्मच वगैरह रख सकें। आप चाहे तो इसमें पानी डालिए और मनी प्लांट को इसमें प्रोपोगेट करिए और अपने किचन में इसको हैंग करिए, या फिर आप नॉर्मल इसमें चम्मच वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं एक कॉटन थ्रेड ले रही हूँ और ग्लू गन की हेल्प से इसको ऊपर की साइड यहाँ पे चिपका दूँगी, जिससे जो ऊपर अनइवन एज थी वो हाइड हो जाएगी और ये देखने में थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये DIY रेडी है और ये रहा इसका फाइनल लुक। इंटरेस्टिंग किचन DIY आइडियाज पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।